दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित सोशल मीडिया पर एक न्यूज़पेपर का कट वायरल हो रहा है। सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची का आधार। तो इस न्यूज़ की क्या है सच्चाई, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी कब तक आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली होती है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में जो नियम बना था उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें भी बदलाव हो जाएगा। तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या है नियम, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और कब कब क्या संशोधन किया गया इसके बारे में भी देख लीजिए, फिर आपको सभी डॉट क्लियर हो जाएगा। तो 2007 में नियम ये बना कि फॉर्म भरने के लिए 10th पास होना चाहिए और लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, इसके बाद फिजिकल और मेरिट जो बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार। 2007 से पहले ये नियम नहीं था, लिखित परीक्षा नहीं देना पड़ता था, सिर्फ दौड़ पास कीजिए इसके बाद आपको कांस्टेबल में जॉब हो जाएगा, जिस तरह से आर्मी में होता है उस अकॉर्डिंग 2007 से पहले ये था। इसके बाद ये नियम जो है 2008 में लागू हो गया और 2010 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी दिया गया था। तो ये 10th हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो बदलाव किया गया 13 जून 2013 को बदलाव ये किया गया, जो यहाँ पर योग्यता था 10वीं पास उसको बढ़ाकर यहाँ पर 12वीं पास कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम ही था, लिखित परीक्षा देना है, फिजिकल देना है, मेरिट बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार। इसके बाद फिर इसमें बदलाव किया गया 2017 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो 16 मार्च 2017 को बदलाव ये किया गया, फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, लिखित परीक्षा भी आपको देना पड़ेगा, फिजिकल भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेरिट प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। पहले जो मेरिट बनता था लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार, इसे बदलकर फिजिकल में कर दिया गया। तो मेरिट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार, और 100 अंक इसके लिए निर्धारित कर दिया गया, 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए और 25 अंक ऊंची कूद के लिए। अभी तक यही नियम है, ये हो गया। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल में भी बदलाव कर दिया गया कि 12वीं लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 12वीं लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2017 में जो एग्ज़ाम लिया गया था अक्टूबर 2017 में, उसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था, 10th लेवल का ही, 12वीं लेवल का नहीं पूछा गया। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2017 में 9900 पदों पर वैकेंसी दिया गया था और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट किया गया। फिर यहाँ पर 2018 में वैकेंसी दिया गया 9900 पद पर, इसमें फिर यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया, एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से बदलाव कर दिया गया कि 50 क्वेश्चन जो है कंपलसरी सभी के लिए रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी यहाँ पर दो ऑप्शनल आपको सब्जेक्ट चूज करना है, 25-25 क्वेश्चन का मैथ हो गया, साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4 जीके का सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से कोई आप दो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल चूज कर सकते। ये हो गया 2018 का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, ये भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीट नहीं हुआ। इसके बाद 2019 में 11880 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था। तो अब फिर यहाँ पर बदलाव करके ये कर दिया गया कि जो 2017 में सिलेबस बनाया गया था एग्जाम पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, 2018 के अकॉर्डिंग नहीं। तो 2017 के अकॉर्डिंग कर दिया गया कि 12वीं पास होना चाहिए और लिखित परीक्षा आपको देना है, इसके बाद फिजिकल देना है, मेरिट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के आधार पर, और क्वेश्चन का लेवल 12वीं लेवल का पूछा जाएगा। 2019 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 2018 में किया गया था उसे हटा दिया गया, ये हो गया। फिर इसके बाद 2020 में वैकेंसी दिया गया है नवंबर 2020 में, अभी इसी भर्ती प्रक्रिया यहीं चल रही है, 8415 पोस्ट पर लिखित परीक्षा लिया गया है 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को। अब इसका जो है रिजल्ट आना बाकी है। इस 2020 वैकेंसी में क्या हुआ कि पहले 2017 में ही नियम बना था कि 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, तो 2017 एग्जाम में नॉर्मल पूछा गया, बिल्कुल भी टफ नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में एग्जाम ही नहीं लिया गया, 2019 वैकेंसी का 2020 में एग्जाम लिया गया था 12 जनवरी एवं 8 मार्च 2020 को, उसमें भी 12वीं लेवल का क्वेश्चन था लेकिन बहुत टफ नहीं था। और इस बार जो लिया गया 8 मार्च, इस बार जो लिया गया 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को एग्जाम, तो इसमें बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये हो गया, इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया। और इससे जस्ट पहले जो है यहाँ पर 8 फरवरी 2021 को सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया। तो कोई भी बदलाव होता है तो जब अब यह नई वैकेंसी आएगी उसमें लागू होगा। अभी जो 2020 में जो एग्ज़ाम लिया गया था 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को, ये वैकेंसी दिया गया था नवंबर में ही, लेकिन सिलेबस में बदलाव किया गया फरवरी में। तो अब जो 2021 में वैकेंसी आएगी उसमें यह लागू होगा। तो देख लीजिए सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस अधिनियम 2007
कांस्टेबल की जो बहाली की प्रक्रिया है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पर जो भी नियम में बदलाव होगा बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में ही, तो यहाँ पर 2007 में 1(1)(6) में बदलाव किया गया है। तो आवेदन पत्रों की संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यह पहले से भी किया जाता है। मेन जो यहाँ पर बदलाव है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के समकक्ष स्तर का होगा। तो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 जब बना था उस समय भी 10th ही किया गया था, फिर इसके बाद 2017 में इस 12वीं कर दिया गया, फिर यहां पर 2020 में बदलाव करके 8 फरवरी 2021 को 2021 में बदलाव करके फिर 10th कर दिया गया। आने वाले समय में और हो सकता है कि जैसे अभी क्या है कि मेरिट फिजिकल के अकॉर्डिंग बनता है, तो आने वाले समय में मेरिट जो है लिखित परीक्षा के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। तो ये बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में बदलाव होगा तभी यह लागू होगा। ये 10वीं लेवल का हो गया और लिखित परीक्षा में किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में टोटल 6 सेक्शन है, हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट, बाकी यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दे दिया गया। साइंस में भौतिकी रसायन शास्त्र प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान, 6ठा सेक्शन सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर करेंट अफेयर्स भी इस बार शामिल कर दिया गया। और एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम 2 घंटे की होगी और OMRC पर ऑफलाइन एग्जाम ली जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ पर है। तो इस बार जो बदलाव किया गया 10th लेवल का किया गया है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि जो अभी सोशल मीडिया पर न्यूज़ जो वायरल हो रहा है ये कब का है और यह क्या सच है या फिर गलत है। तो देखिए ये गलत नहीं है, ये सच ही है, लेकिन यह जो है बहुत पुराना न्यूज़ है। यह जो न्यूज़ है 2018 का है। जैसा कि आप लोगों को अभी बताए हैं कि 2017 में क्या किया गया था, 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेबस में बदलाव करके ये कर दिया गया कि 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेरिट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार। तो ये हो गया 2017 में। और 2018 में वैकेंसी आने से पहले न्यूज़ में था कि यहाँ पर सिलेबस में बदलाव किया जाएगा और जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के अनुसार, उसको चेंज करके लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। बदलाव जो किया गया था यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट 2018 में जोड़ा किया गया था और मेरिट जो बनेगा फिजिकल के अकॉर्डिंग ही, लिखित परीक्षा के मार्क्स के अकॉर्डिंग बदलाव नहीं किया गया था, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया गया था। तो 2018 में वैकेंसी आने से पहले ये न्यूज आया था कि सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची का आधार। तो ये अब का न्यूज नहीं है, ये 2018 का न्यूज है। तो अभी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये गलत न्यूज है, तो यह बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में कब क्या बदलाव हुआ है, जो भी बदलाव होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होगा। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। और आप ही में से कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या यह न्यूज़ सच है, तो यहाँ से आपका डॉट भी क्लियर हो गया, ये अभी का नहीं है, 2018 का ही न्यूज़ है। और आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो 2021 में वैकेंसी जो आएगी 9000 प्लस पदों पर, और क्वेश्चन का लेवल में बदलाव कर दिया गया है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से 2017 एग्जाम 2014-2015 एग्जाम में पूछा गया था। 2019 एवं 2020 एग्जाम के अकॉर्डिंग इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में अब बदलाव हो गया है। वैकेंसी जो आएगी अक्टूबर नवंबर 2021 में, पिछली बार जो वैकेंसी दिया गया था 2019 का अगर आप देखेगा तो अक्टूबर में दिया गया था, और 2020 में अक्टूबर में बिहार में आचार संहिता लगा हुआ था चुनाव के कारण से, इस कारण से खत्म होने के बाद 11 नवंबर 2020 को दिया गया था। तो इस बार जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, अगर बहुत लेट होता है तो 10 नवंबर तक, 10 नवंबर से पहले हर हाल में वैकेंसी दे दी जाएगी और 9000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम एज का भी कंडीशन 18 साल है, यह जो काउंट किया जाएगा 12वीं पास और 18 साल जो होना चाहिए 1 अगस्त 2021 तक, अगर 1 अगस्त 2021 तक आप 12वीं पास है, इस बार जो भी कैंडिडेट 12वीं पास किए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एज भी यहाँ पर न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। तो जितना भी डॉट था सभी डॉट आप लोगों का क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।